सॉरी गुड इवनिंग बच्चों एंड दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब. दिस इज क्लोज टेस्ट सीरीज नंबर 3 एंड यू नो दैट देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्स यू आर गोइंग टू फेस एंड CCL and CHSL 2019. This is before you. Closed test passes series 3. Let's begin and see what we can do. Okay. This is the passes. Closed test passes first means so we have two passages. First passes is sometimes it seems that to understand our dash society. All that we need to do is to understand our dash at traffic lights. Every day I see countless people on bikes and cars driving through red lights. Earlier, I used to get dash that these people were blatantly flouting a rule that many others were dash more so when they did it right in front of indifferent traffic police. Now I realize that while this might be just another dash of rule breaking, that seems to be an essential definition of being Indian. ये वो passes हैं जो हमें solve करना है closed test के रूप में. और जैसा कि आप जानते हैं अगर closed test हमें solve करना है तो हमें प्रीपोजिशन के रूप में, हमें ग्रामर के रूप में, हमें फ्रेजल वर्ब्स के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं वर्ड्स के बीच में उनको समझना जरूरी है. ये पैसेज आपको बता रहा है कि हम ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उनके प्रति हमारी सोच क्या होती मीन्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रैफिक रूल्स वेदर वी आर गोइंग टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स आर वी डू नॉट. So let's try our level best. Sometimes it seems that yani kabhi kabhi aisa lagta hai that ki to understand our dash society ki kabhi kabhi apne samaj ko samajhna kya cheez samajhna complete society ko samajhna ya own society ko samajhna means apne samaj ko samajhna कॉम्प्लेक्स समाज को समझना या बैड समाज को समझना. फिर से देखें समटाइम्स इट सीम्स कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है दैट की टू अंडरस्टैंड आवर डैश सोसाइटी इट सीम्स दैट टू अंडरस्टैंड आवर कंप्लीट सोसाइटी हो सकता है क्या. इट सीम्स दैट टू अंडरस्टैंड आवर ओन सोसाइटी हो सकता है. It seems that to understand our complex society, ये भी हो सकता है. It seems that to understand our bad society, ये तो नहीं हो सकता है ना, इससे कोई मतलब नहीं आ. Complete भी हो सकता है क्या. Complete society, what do we mean by complete society? So let's leave it, okay? Leave it out. Own and complex, दो में से आपको समझना है. हमने दो को eliminate कर दिया है, कंप्लीट को और बैड को. तो अगर दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया है तो फिर इन्हीं दो में से हमारा आंसर होगा ओन या कॉम्प्लेक्स. क्या लेना चाहते हैं आप, ओन लेना चाहेंगे या कॉम्प्लेक्स, दोनों में से एक चूज करिए. समटाइम्स कभी कभी इट सीम्स दैट टू अंडरस्टैंड आवर ओन सोसाइटी होगा और टू अंडरस्टैंड आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. क्या सही है? आप में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आवर की वजह से ओन लेना चाहें. बट आप सोचें अगर वो हमारा अपना समाज है तो उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत क्या पड़ेगी. कहीं कहीं वो सोसाइटी जो है वो कॉम्प्लेक्स है एंड इफ द सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो इट इज ऑल्सो राइट, इट इज ऑल्सो राइट बट द बेटर विल बी कॉम्प्लेक्स. So sometimes it seems that to understand our complex society, all that we need to do, yani yadi hame is samaj ko complex society ko samajhna hai, to all that we need to do, jo kuch bhi hum kar sakte hain, wo kya hai, is to understand our
वो ये है कि हम समझें, क्या समझें, आवर डैश, हम अपने रूल्स को समझें या आवर बिहेवियर, अपने व्यवहार को समझें या आवर सिस्टम को समझें या आवर डे को समझें। डे तो मुझे कहीं से नहीं लगता है यहां पे फिट होगा। तो ऑल दैट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड आवर रूल्स। होगा रूल्स, हो सकता है क्या आवर रूल्स, रूल्स कब से हम ट्रैफिक रूल्स में अपने लगाने लगे। तो हमें यहां पर भी जहां तक है बिहेवियर और सिस्टम में से चूज करना होगा। अब हम पूरा देख लें। समटाइम्स इट सीम्स दैट टू अंडरस्टैंड आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑल दैट वी नीड टू डू, जो कुछ भी हमें करना है वो ये है, इज टू अंडरस्टैंड आवर डैश एट ट्रैफिक लाइट्स। कि ट्रैफिक लाइट्स पे हमें क्या समझना होगा, ट्रैफिक लाइट्स पे हमें अपना बिहेवियर समझना होगा या उस सिस्टम को समझना होगा। क्या सही हो सकता है, बिहेवियर या सिस्टम? यहां पे रूल्स और डे का कोई मतलब नहीं। अगर आपके मन में आ रहा है ट्रैफिक लाइट्स में रूल्स क्यों नहीं हो सकता है, ये वर्ड आपको मजबूर कर रहा है कि नहीं हो। टू डू इज टू अंडरस्टैंड आवर रूल्स, आवर रूल्स एट ट्रैफिक लाइट्स। नो नीड टू यूज रूल्स, सो विल हैव टू यूज बिहेवियर और सिस्टम। बट यू मस्ट नो दैट सिस्टम इज नॉट जस्टिफाइड हियर। Why? Because all that we need to do is to understand our system at traffic lights. कहीं से feedback है? नहीं ना? Traffic lights पे किस चीज की बात की जा रही है? Traffic lights पे हमारे behavior की बात की जा रही है कि हम उसे follow करते हैं या नहीं करते हैं। यही हमारा behavior show करेगा कि हम traffic lights को follow करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें समझना है। क्या? उस समय का अपना बिहेवियर। तो हमें हमारे पास हो गया समटाइम्स इट सीम्स दैट टू अंडरस्टैंड आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑल दैट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड आवर बिहेवियर एट ट्रैफिक लाइट्स। ओके, एवरीडे प्रतिदिन आई सी काउंटलेस पीपल, मैं अनगिनत लोगों को देखता हूं ऑन बाइक्स एंड कार्स, बाइक्स और कार्स पे ड्राइविंग थ्रू रेड लाइट्स, जो ड्राइव कर रहे होते हैं रेड लाइट्स के बावजूद, यानी रेड लाइट चल रही हो फिर भी ड्राइविंग थ्रू, यानी वो जा रहे होते हैं, उन पर उन ट्रैफिक लाइट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्लियर, पहले आई यूज टू गेट डैश दैट दीज पीपल वर ब्लैटेंटली फ्लाउटिंग ए रूल। फ्लाउटिंग ए रूल मीन्स, फ्लाउट ए रूल मीन्स किसी नियम किसी कानून की अवमानना कर, ब्लैटेंटली खुले रूप। तो अर्लियर आई यूज टू गेट डैश दैट दीज पीपल वर ब्लैटेंटली फ्लाउटिंग अ रूल, यानी ये लोग जो हैं जो रेड लाइट्स के थ्रू आगे बढ़ रहे होते हैं, ये लोग जो हैं ये एक कानून एक नियम का खुले तौर पे अवहेलना करते हैं, अवमानना करते हैं। अगर लोग खुले तौर पर नियम की अवहेलना करते हैं तो व्हाट वुड यू लाइक टू बी, क्या होना चाहेंगे आप एंग्रीली होना चाहेंगे, आप अनाइन होना चाहेंगे, आप अपसेट होना चाहेंगे या हैप्पी होना चाहेंगे, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? यहां पे आपके ग्रामर का नॉलेज भी आपके काम आएगा कि क्या एंग्री यहां पे फिट होगा, क्या अनाइन यहां पे फिट होगा, अपसेट या हैप्पी में से कौन सा बेस्ट होगा, बेटर होगा, ये ग्रामर आपका काम आएगा यहां पर। फिर से देखें, अर्लियर पहले यानी कि शुरू में I used to get याद करें, I used to get यानी मैं हो जाया करता था, मैं क्या हो जाया करता था, मैं angrily हो जाया करता था, नहीं नहीं ना, ये आपका adverb of manner है, और यहाँ adverb of manner की जरूरत नहीं, already get है यहाँ पे, तो get के बाद आपको कोई adjective चाहिए ना। I used to get annoying होगा क्या, present participle की जरूरत है क्या आपको, नहीं। I used to get annoyed होता तो यहां चलता, annoying नहीं होगा। आपको याद होगा interesting और interested में फर्क होता है। क्या कोई interesting boy सही है या interested boy सही, कौन सा सही है, interested boy। तो वैसे ही I used to get annoying नहीं होगा, I used to get annoyed होता, यानी इसे leave out करिए आप। I used to get angrily भी नहीं होगा क्योंकि ये भी adverb of manner है, नहीं होगा। हमें कोई कोई एडजेक्टिव चाहिए जो इन दो में से है,
तो आप अगर पहले लाइंस को अगर आपको याद हो तो क्या वो हैप्पी होगा? क्या अगर कोई नियम की अवहेलना कर रहा है तो क्या हम आप हैप्पी होंगे? कौन सेंस है? अर्थात आंसर आपका क्लियर है, क्या होगा? अपसेट होगा। वैसे भी एडजेक्टिव है, तो आई यूज टू गेट अपसेट। मैं क्या हो जाया करता था? परेशान हो जाया करता था, मैं व्यथित हो जाया करता था। किस लिए? कि दीज पीपल वर ब्लैटेंटली फ्लाउटिंग अ रूल, कि लोग एक नियम की खुले तौर पर अवहेलना कर रहे हैं। कौन सा नियम? दैट जिसे मेनी अदर्स वर, जिसे बहुत सारे लोग डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, मैं उसके प्रति अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मैं उसे अनुसरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, आस्किंग उन नियमों को, उस नियम को आस्किंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, फॉरगिविंग माफ कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप पढ़ लिए होंगे तो उसमें फॉरगिविंग तो सोच लिए होंगे, फॉरगिविंग नहीं हो सकता है। तो फिर से अगर देखें तो आपके आसान हो जाए। अर्लियर आई यूज टू गेट अपसेट, मैं परेशान हो जाया करता था, दैट दीज पीपल वर ब्लैटेंटली फ्लाउटिंग अ रूल, कि ये लोग एक ऐसे नियम की अवहेलना करते थे खुले तौर पर जिसे मेनी अदर्स वर, जिस नियम को बहुत सारे लोग कंट्रास्ट करना सीखेंगे तो इनमें आप तुरंत ऑप्शन ढूंढ लेंगे कि अगर यहां पे ये फ्लाउट अ रूल की बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग, ये लोग जो होते थे उस नियम की अवहेलना करते थे, जबकि उसी यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो उसी नियम को क्या कर रहे होंगे, स्पष्ट है फॉलो कर रहे होंगे। और ये वर वैसे भी सही है, वर फॉलोइंग। तो अर्लियर आई यूज टू गेट अपसेट दैट दीज पीपल वर ब्लैटेंटली फ्लाउटिंग अ रूल दैट मेनी अदर्स वर फॉलोइंग मोर सो। मैं इसलिए भी बहुत अपसेट हो जाया करता था व्हेन जब दे डिड इट राइट इन फ्रंट ऑफ इनडिफरेंट ट्रैफिक पुलिस, जब ये लोग उस नियम की अवहेलना करते थे राइट इन फ्रंट ऑफ इनडिफरेंट ट्रैफिक पुलिस, उस उदासीन ट्रैफिक पुलिस के ठीक सामने, तो मुझे और अपसेट में हो जाया करता था, ये राइटर कह रहा। नाउ आई रियलाइज, अब मैं महसूस करता हूं दैट थी व्हाइल दिस माइट बी जस्ट अनदर डैश, अब मैं महसूस करता हूं दैट थी व्हाइल दिस माइट बी जस्ट अनदर क्या, अनदर इंस्टेंस, अनदर उदाहरण, अनदर चांस, अनदर अवसर, अनदर फॉर्म, अनदर रोग, अनदर प्राउड। प्राउड तो नहीं होगा, प्राउड तो लगता हर एक में लास्ट में ऐसे वर्ड छोड़ दे गए दैट व्हाट दैट आर आउट ऑफ यूज, इनका कोई मतलब नहीं। इन्हीं तीन में से हो सकता है, इंस्टेंस हो सकता है, चांस हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। Now I realize that while this might be just another dash, another instance of rule breaking, क्या वो नियम तोड़ने का एक अन्य उदाहरण है? That seems to be an essential definition of being Indian, जो भारतीय होने का एक आवश्यक परिभाषा है। यानी यहां पे देखेंगे तो क्या फिट बैठेगा, another instance बैठेगा या another chance बैठेगा? क्या इंडियन होने की परिभाषा के लिए एंडर चांस चाहिए, एंडर फॉर्म रूप चाहिए? नहीं। अगर आप सोचेंगे ये बेस्ट है आपका, कैसे? नाउ आई रियलाइज, अब मैं महसूस करता हूं दैट की वाइल दिस माइट बी जस्ट अनदर इंस्टेंस ऑफ रूल ब्रेकिंग, यानी यह नियम तोड़ने का एक और उदाहरण हो सकता है, दैट सीम्स टू बी एन एसेंशियल डेफिनेशन ऑफ बीइंग इंडियन, जो जरूरी है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपकी परिभाषा ही है ये, क्या कि आप नियम को क्या करें, आप तोड़ें। लेकिन ये बैंक कर वैसे इसके आगे भी लाइंस थी, मैंने हटा दिया था, यानी ये अनदर इंस्टेंस यहां पे बेस्ट बैठेगा। देखिए मेरी रिक्वेस्ट हुई आपसे, वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि वो एग्जाम्स में सफल हों, क्रैक करें उसे, उन बच्चों को जो लाइंस हैं उनकी हिंदी समझना बहुत जरूरी है। सजेशन समझे, रिक्वेस्ट समझे, बट इन्हें फॉलो करिए। आप पढ़ना सीखें, शब्दों को बनाना सीखें, वाक्यों को एक दूसरे से पिरोना सीखें, तो अगर आप इस लाइन को समझेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि रूल ब्रेकिंग का अनदर इंस्टेंस होगा, अनदर उदाहरण होगा, एक अन्य उदाहरण होगा, तो आपको हिंदी से बना लेंगे, हाँ ये वर्ड यहाँ पे क्या होता है,
फिट होता है, इससे आपकी परेशानियां क्लोज टेस्ट में कम हो जाए। लेकिन चलिए दूसरा क्लोज टेस्ट पैसेस हम देख रहे हैं और शायद इसमें और बेहतर करने की हम कोशिश करें। क्लोज टेस्ट पैसेस टू, दिस इज बिफोर यू, ओके। नॉर्थ कोरिया, नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा हम कहां की बात कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया डैश एक्शन ऑफ लॉन्चिंग फोर मिसाइल्स इनटू द सी ऑफ जापान अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स डैश द जैपनीज कोस्ट लाइन हैज ट्रिगर, ये है जो है वो एक्शन के लिए, उस एक्शन ने हैज ट्रिगर फियर्स ऑफ डैश टेंशन बिटवीन न्यूक्लियर आर्म पावर्स। न्यूक्लियर आर्म पावर्स आर्विक शक्तियां जो है, आर्विक क्षमता से युक्त शक्तियां। द लॉन्च सीम्स टाइम्ड टू टेस्ट द स्ट्रेटेजिक डैश एंड टैक्टिकल कैपेबिलिटीज ऑफ न्यू रिलेशनशिप इन द ब्रॉडर पावर बैलेंस दैट रेंज इन प्योंगयांग, प्योंगयांग मींस नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग डैश एंबिशंस। नॉर्थ कोरिया डैश एक्शन, एक्शन नाउन है, यानी आपको एक एडजेक्टिव की आवश्यकता है। तो नॉर्थ कोरिया प्रोवोकेटिव एक्शन यानी उकसाने वाली कार्यवाही, या नॉर्थ कोरिया प्लेटिट्यूड एक्शन मीन्स बेवजह की सामान्य कार्यवाही, नॉर्थ कोरिया रेक एक्शन, कोई मतलब ही नहीं यहां पे रेक एक्शन, नॉर्थ कोरिया फेटर एक्शन, फेटर यू नो काइंड ऑफ चेन बाय विच यू बाइंड समवन, तो फेटर मीन्स कोई जंजीर, कोई चीज जिसे बांधा जाता है। तो नॉर्थ कोरिया क्या होगा, प्रोवोकेटिव एक्शन, प्लेटिट्यूड एक्शन, रेक एक्शन या फेटर एक्शन, बहुत ईजी ये कर सकते हैं आप, क्या सही है, प्रोवोकेटिव ना, तो नॉर्थ कोरिया प्रोवोकेटिव एक्शन ऑफ लॉन्चिंग फोर मिसाइल्स, यानी कौन सा प्रोवोकेटिव एक्शन कि लॉन्चिंग फोर मिसाइल्स, उसने चार मिसाइल्स को लॉन्च किया इनटू द सी ऑफ जापान, कहां पर, जापान के सागर में, अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर, कुछ सौ किलोमीटर डैश द जैपनीज कोस्ट लाइन, यानी जैपनीज कोस्ट लाइन से कुछ सौ किलोमीटर दूर, तो जैपनीज कोस्ट लाइन से ऑफ फ्रॉम टू या ओवर, क्या बेस्ट होगा, द सी ऑफ जापान अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स ऑफ द जैपनीज कोस्ट लाइन, अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स फ्रॉम द जैपनीज कोस्ट लाइन, अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द जैपनीज कोस्ट लाइन, are a few hundred kilometers over the Japanese coastline. Here, your knowledge of preposition will certainly work. यहाँ जो आपका preposition का knowledge है, वो निश्चित ही काम करेगा. As soon as you convert the sentence into Hindi, जैसे ही आप उसे हिंदी में convert करेंगे, you will find that the Hindi is what? Into the sea of Japan. उसने जो four missiles launch की, वो जापान के सागर में की, a few hundred kilometers dash the Japanese coastline, Japanese coastline से कुछ एक hundred kilometers की दूरी पर, Japanese coastline से दूरी पर, स्पष्ट है क्या आंसर होगा आपका, from, पूछेगा ना, तो फिर देख लें, North Korea's provocative action of launching four missiles into the sea of Japan, a few hundred kilometers from the Japanese coastline. उस प्रोवोकेटिव एक्शन ने हैज, यहां से आपकी वर्ब जुड़ रही है, ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स शुरुआत कर देना, बिगिन कर देना, स्टार्ट कर देना, हैज ट्रिगर यानी उस प्रोवोकेटिव एक्शन ने शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, एक आरंभ दे दिया है, किस चीज को, फियर्स ऑफ डैश टेंशन बिटवीन न्यूक्लियर आर्म पावर, जैसे जापान और नॉर्थ कोरिया दोनों न्यूक्लियर आर्म पावर्स, ठीक है, तो हैज ट्रिगर फियर्स ऑफ टेंशन, टेंशन नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए आपको, तो प्रोविंशियल टेंशन यानी क्षेत्रीय या प्रांतीय तनाव को उसने ट्रिगर कर दिया, बढ़ा दिया है, शुरू कर दिया है, या मैनिफोल्ड टेंशन, कई गुना टेंशन को बढ़ा दिया है, या रिन्यूड टेंशन यानी फिर से उस टेंशन को बढ़ा दिया है, या रिएक्शन, रिएक्शन टेंशन तो कभी नहीं होना, टेंशन के पहले रिएक्शन कैसे आए, नहीं आए, इन तीन में से जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमें यूज करना है, तो फिर से देख लें आप,
नॉर्थ कोरियाज प्रोवोकेटिव एक्शन, अब जोड़ दें, प्रोवोकेटिव एक्शन हैज ट्रिगर्ड फियर्स ऑफ प्रोविंशियल टेंशन, मैनिफोल्ड टेंशन या रिन्यूड टेंशन। वैसे प्रोविंशियल टेंशन हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है रिन्यूड टेंशन। रिन्यूड क्यों, प्रोविंशियल क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं वहां पे क्षेत्रीय खतरा है, तो उस चीज को वहां हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो और मैनिफोल्ड टेंशन के यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स हैं दोनों, उनके बीच में मैनिफोल्ड टेंशन को बढ़ा दिया है, कई गुना तनाव को बढ़ा दिया है। तनाव ऑलरेडी तनाव है, कई गुना तनाव को बढ़ाने क्या मतलब है, यहां रिन्यूड टेंशन को के भय को बढ़ा दिया है। रिन्यूड टेंशन यानी फिर से एक बार ये जो न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स हैं, ये फिर से एक बार अपनी जो शत्रुता है रिन्यू कर लिया, फिर से एक दूसरे के शत्रु बन गए, शत्रुता इनकी आमने सामने आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉन्च सीम्स टाइम्ड, यानी जो लॉन्च प्रतीत होता है टाइम्ड टू टेस्ट, यानी ऐसे समय पे लॉन्च किया गया है ताकि परीक्षण किया जा सके, परीक्षा ली जा सके। द स्ट्रेटजिक डैश, स्ट्रेटजिक डायलॉग की परीक्षा ली जा सके। क्या आपको लगता है स्ट्रेटजिक डायलॉग की, रणनीतिक संवाद की परीक्षा ली जाएगी? स्ट्रेटजिक म्यूचुअल कभी हो ही नहीं सकता, स्ट्रेटजिक भी एडजेक्टिव है, म्यूचुअल भी एडजेक्टिव नहीं होगा। स्ट्रेटजिक रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स घनिष्ठता, मेल चोल, तो क्या रणनीतिक घनिष्ठता की वो परीक्षा लेना चाहते हैं? वो कतई नहीं। आंसर क्लियर है, आप सोच के देखिए। यानी द लॉन्च सीम्स टाइम्ड टू टेस्ट द स्ट्रेटजिक फोर्टिट्यूड, होगा द स्ट्रेटजिक फोर्टिट्यूड एंड, यानी स्ट्रेटजिक फोर्टिट्यूड रणनीतिक धैर्य, यानी धैर्य की तो परीक्षा ली जाती है ना, तो स्ट्रेटजिक फोर्टिट्यूड को टेस्ट करने का उन्होंने टाइम चुना। एंड और टैक्टिकल कैपेबिलिटीज, टैक्टिकल मीन्स जो भी आप टैक्टिक्स अपनाते हैं, और कैपेबिलिटीज में समझते होंगे क्षमताएं, यहां टैक्टिकल मतलब सामरिक, यानी वो सामरिक क्षमताओं को टेस्ट करना चाहते हैं ऑफ न्यू रिलेशनशिप। कौन सी क्षमता को? ऑफ न्यू रिलेशनशिप, जो नया नया संबंध बना है इन द ब्रॉडर पावर बैलेंस, यानी विस्तृत बड़े शक्ति संतुलन में, यानी विस्तृत शक्ति संतुलन में वो जो संबंध बन रहा है उसकी सामरिक कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेटजिक फोर्टिट्यूड को वो टेस्ट करना चाहता है। कौन? नॉर्थ कोरिया। दैट जो बैलेंस रेंज समझते होंगे नियंत्रण करना, दैट रेंज लगाम लगाना किसी चीज पर नियंत्रण करना, दैट रेंज इन प्योंगयांग्स डैश एम्बिशंस। अब चारों शब्दों को देखें, एम्बिशन के साथ कौन सा यहां फिट होगा, वो भी नॉर्थ कोरिया के सेंस में। तो प्योंगयांग्स वार एम्बिशंस, प्योंगयांग्स न्यूक्लियर एम्बिशंस, प्योंगयांग्स हायर एम्बिशंस, प्योंगयांग्स क्विंट एम्बिशंस। क्विंट समझते होंगे, क्विंट मीन्स दैट इज अनयूजुअल, अनकॉमन मीन्स विचित्र, अजीब, पुरानी ढंग का कोई चीज हो वो क्विंट होता है। तो उसके वार एम्बिशन, क्या वार एम्बिशन की बात की जा रही है? ऊपर कुछ क्लूज है आपके, इनमें बेस्ट कौन सा होगा? तो एम्बिशन वार एम्बिशन है, वो एम्बिशन न्यूक्लियर एम्बिशन है, या वो एम्बिशन हायर एम्बिशन है, या क्विंट एम्बिशन है? बिल्कुल इजी है। सोचें, नॉर्थ कोरिया को ध्यान में रखें, उन चार मिसाइल्स के लॉन्च को ध्यान में रखें, तो आपको तय हो जाएगा यहां पर न्यूक्लियर एम्बिशन उसके हैं। क्या है? आर्विक, यानी परमाणु क्षमता संबंधित जो उसके महत्वाकांक्षाएं हैं वो उनके बात कर रहे हैं। फिर से देखिए, नॉर्थ कोरियाज प्रोवोकेटिव एक्शन ऑफ लॉन्चिंग फोर मिसाइल्स इनटू द सी ऑफ जापान अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स फ्रॉम, हो जाएगा फ्रॉम द जापानीज कोस्ट लाइन, तो उस प्रोवोकेटिव एक्शन ने हैज ट्रिगर्ड फियर्स ऑफ रिन्यूड टेंशन, फिर से उस टेंशन को बढ़ा दिया, उसके भय को बढ़ा दिया है बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस। ये क्लू था न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स, ये न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स। द लॉन्च सीम्स टाइम्ड टू टेस्ट, यानी उस जो लॉन्च किया गया चार मिसाइल्स को, कहीं कहीं शायद ऐसे समय में किया गया है ताकि टू टेस्ट द स्ट्रेटजिक फोर्टिट्यूड
and tactical capabilities of new relationship. In the broader power balance that reigns in Pyongyang's nuclear ambitions. ये सारी close test कराने का मेरा एक उद्देश्य है. देख, close test एक ऐसी चीज है जो उस समय आपको कौन सा passage दिया जा रहा है और वो आपकी कितनी पकड़ में, कितना grip है आपका उस, इस पर भी depend करता है. उस समय आपका कॉमन सेंस कितना बेहतर काम कर रहा है कि आप शब्दों के बीच में बेहतर चुनाव कर लें और सफल हो जाएं कि हाँ यहां पे ये वर्ड बेस्ट है. तो फिर ये कराने का मकसद है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये अभ्यास है जो आपको अच्छा बना सकता है. आप ऐसे करते रहे. तीसरी सीरीज मेरी है, दो सीरीज और रहेगी, यानी दो दिन और रहेगी. इस पांच सीरीज में मैं आपको 10 पैसेज क्लोज टेस्ट के करा रहा हूं. 10 पैसेज करने से कुछ नहीं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम शब्दों को किस तरीके से चूज करें. एक ब्रॉडर व्यू आपका विकसित होगा, सोच का एक बड़ा तरीका, विस्तृत तरीका आपका विकसित होगा कि हम यहां पे ये चीज हमारे लिए बेस्ट है. और फिर मैं कहूंगा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे. सो हम ये सोचें कि हम आगे बढ़ते रहें. कल फिर से 8 बजे ये आपके पास रहेगा और फिर से एक नई सीरीज के साथ आप रहेंगे यहां पे और फिर से हम एक नए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, बूस्ट कॉन्फिडेंस के साथ हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. प्लीज सपोर्ट करिएगा मुझे क्योंकि ये प्रयास मेरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आगे एग्जाम्स हैं. बहुत सारे बच्चे चाहते हैं सर क्लोज टेस्ट करा दीजिए, सर वो पिकीवारस पैरा जंबर जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें करा दीजिए. मैं कोशिश करूंगा इनके बाद जो पिकीवारस यानी सेंटेंस अरेंजमेंट के वो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, दिए जाते हैं, मैं उन पर भी काम करूं. तो प्लीज सपोर्ट करिएगा ताकि मेरा एनकरेजमेंट होता रहे और जिन बच्चों के मेरे से शिकायतें होती हैं, दिक्कतें होती हों, वो मेरे से शेयर करें. मैं निश्चित उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा. ओके, थैंक यू.